नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल टेक्नो मंथन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं Realme की तरफ से न्यू लॉन्च फोन है। Realme 8i लॉन्च हुए थोड़ा सा टाइम हुआ, लेकिन आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे क्या मोबाइल के फीचर है, आपके लिए मोबाइल कितना ज्यादा सुटेबल होने वाला है, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये एक बजट किंग मोबाइल है। सारे फीचर आपको मिलेंगे इस मोबाइल में जो भी आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग है। दोस्तों ये जो मोबाइल मुझे मिला है मोबाइल अड्डा की तरफ से मिला है। अगर आप ये मोबाइल परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक में मेंशन कर दूंगा, जहां पे आप इस मोबाइल को इजीली और एक अच्छे प्राइस में मोबाइल को परचेज कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स बिगिन। दोस्तों यहाँ पे है बॉक्स हमारे पास Realme की तरफ से Realme 8i, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फटाफट से करते हैं बॉक्स के ओवरव्यू के बारे में बात। दोनों ही साइड आपको Realme 8i की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बात करूँ यहाँ पे इसके बैक साइड की, प्रोसेसर के बारे में कुछ हाईलाइट यहाँ पे मेंशन है कि Helio का आपको G96 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है। 120 हर्ट्ज की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। बैटरी अगर मैं बात करूँ 5000 mAh की बैटरी है। कैमरे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जा रहा है। चार्जर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 18 वाट का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जा रहा है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक अल्ट्रा फास्ट चार्जर है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं यहाँ पे मोबाइल को बॉक्स से बाहर और देखते हैं क्या है मोबाइल के बेसिक फीचर्स। दोस्तों यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू Realme फैमिली। तो यहाँ पे जैसे हमें देख सकते हैं यहाँ पे आप, तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है कुछ बेसिक से पेपर वर्क, तो पेपर वर्क को रखता हूँ मैं साइड में। बात करूँ यहाँ पे इसकी क्वालिटी के बारे में, जो ट्रांसपेरेंट है, केस कवर है, केस कवर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन समय के साथ पीले पड़ जाएगी तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। लेकिन उससे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे कुछ बेसिक से हाईलाइट के बारे में, तो कैमरे बम्प के लिए यहाँ पे आपको एक अलग से सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिससे आपके कैमरे में जो स्क्रैचेज आने वाले थे वो अब नहीं आ पाएंगे। तो जो फ़ोन है आपका काफ़ी लंबे समय तक नया बना रहेगा, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में और देखते हैं और क्या है अंदर। तो यहाँ पे मोबाइल को मैं रख देता हूँ साइड में और बात करते हैं यहाँ पे बॉक्स में एसेसरीज़ के बारे में। चार्जर यहाँ पे आपको मिल जाता है 18 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल जा रहा है। आउटपुट रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर की रेटिंग देखने को मिल जा रही है। मेड इन इंडिया का यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन है। बात करूँ यहाँ पे इसकी केबल के बारे में, तो जो केबल आपको देखने को मिल जा रही है वो आपको टाइप सी केबल मिल जा रही है। केबल की क्वालिटी ठीक है, लेंथ भी ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये आपका साथ देने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल के बारे में, तो फटाफट से करते हैं यहाँ पे मोबाइल को मैं लेट से बाहर, मोबाइल को कर लिए लेट से बाहर। जैसे कि यहाँ पे आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं, जो डिज़ाइन है इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो जो आपको जो ग्लास डिज़ाइन देखने को मिल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एक यूनिक कलर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, साथ में आपको LED का यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे एक कैमरा है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में ये एक LED है। 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में आपको 2+2 का आपको अल्ट्रा और डेप्थ कैमरा देखने को मिल जा रहा है। Realme की यहाँ पे डाउन साइड में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है एज यूजुअल। बात करते हैं यहाँ पे साइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है सिम ट्रे स्लॉट देखने को मिल जा रहा है, साथ में आपको वॉल्यूम लॉकर देखने को मिल रहा है। बात करूँ यहाँ पे इसके दूसरे साइड की, तो पावर अनलॉक अनलॉक बटन विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पे इसके डाउन साइड की, तो यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक प्राइमरी माइक्रोफोन USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है। तो ये थी मोबाइल की कुछ बेसिक डिटेल। अगर बात करें यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो उससे पहले जो पंच होल डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जा रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। 6.4 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है। बात करते हैं यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस के बारे में, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को कर देता हूँ पूरा फुल, तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इसका प्राइस होने वाला है प्रेजेंट टाइम पे वो 15,000 to 14,000 के बीच में इसका प्राइस है, और बिग बिलियन डे में हो सकता है इसका प्राइस और भी ज़्यादा कम हो जाए, तो ये मोबाइल आपके लिए खास हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पे, चलते हैं फटाफट से सेटिंग की तरफ और देखते हैं क्या है यहाँ पे आपके लिए। अबाउट सेक्शन पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिवाइस का यहाँ पे नाम मेंशन है, वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं Realme UI की बात करूँ तो यहाँ पे Realme का जो UI है 2.0 का है। एंड्रॉयड वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एक लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको MediaTek प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। Helio का G96 का प्रोसेसर है। 4GB की रैम है। इन स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो 64GB का स्टोरेज है। 256GB आप एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के।
तो ये थी कुछ बेसिक सी डिटेल, बात करते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 5000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है, साथ में पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड मिल जाता है। पावर सेवर मोड और सुपर पावर सेवर मोड है, तो ये दो मोड के साथ में आप ये मान के चलिए अगर आपकी बैटरी दो दिन चल रही है तो यहाँ पे आपकी बैटरी आराम से तीन दिन चल पाएगी। आपको साथ में मिल जाता है 18 W का आपको फास्ट चार्जर, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को बहुत ही जल्दी चार्ज कर पाएंगे। डिजिटल वेलबींग और पैरेंटल कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अगर कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं तो उसकी तो इस फीचर को ऑन करके वो जज कर पाएंगे और वो ये देख पाएंगे कि आपके बच्चे इसमें किस मोबाइल में क्या क्या कर रहे हैं। तो ये थी मोबाइल की कुछ बेसिक डिटेल, यहाँ पे मैंने करके रखे हैं आपके लिए वीडियो सेव। लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैमरे के बारे में। तो कैमरे के बारे में जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पिक्चर क्लिक करता हूँ, पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर सैंपल और वीडियो सैंपल भी शेयर करूँगा जो मैंने इसी फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, तो आप जज कर पाएंगे कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे आपको नाइट मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट और 50 MP का आपको एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। चलते हैं यहाँ पे मोर पे, तो यहाँ पे डुअल वीडियो व्यू का आपको एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों एक साथ में एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे स्लो मोशन का आपको एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल रहा है, टाइम लैप्स, मूवी एक्सपर्ट, पैनो, टेक्स्ट स्कैनर और अल्ट्रा मैक्रो। अल्ट्रा मैक्रो का भी आपको ऑप्शन अलग से देखने को मिल रहा है। तो ये थी मोबाइल की कुछ बेसिक डिटेल, तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए करके रखा है एक वीडियो को सेव। तो देखते हैं वीडियो की क्वालिटी क्या है, जिससे आप जज कर पाएंगे कि स्क्रीन की क्वालिटी कैसी है और आपके लिए मोबाइल कितना ज़्यादा सुटेबल होने वाला है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में अगर मैं बात करूँ तो जो इसमें जो फीचर मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के मिल रहे हैं। दोस्तों बात करूं अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ पे जिस प्राइस रेंज के साथ में आपको जो ये सारे फीचर मिल रहे हैं उस मुकाबले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस मोबाइल का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो इसमें फ़ीचर है वो काबिले तारीफ़ हैं। और अगर आप ये फ़ोन अगर मिड रेंज में अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से बजट किंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो फ़ीचर्स आपको मिल रहे हैं यकीन मानिए इस फीचर्स और ये कैमरे के क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी के साथ आपको कहीं नहीं मिलने वाले। दोस्तों ये थी कहानी यही Realme 8i के फ़ोन की। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मोबाइल में कौन सा फीचर अच्छा लगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।